करण जौहर हमेशा से जिस चीज के लिए ट्रॉल होते हैं उसे लेकर करण जौहर ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हां, करण जौहर अपनी ट्रॉलिंग और मेंटल हेल्थ पर अक्सर खुलकर बोलते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बॉडी डिसफॉर्मिया पर बात की, जिसका मतलब है कि उनका शरीर कैसा दिखता है, इस बात को लेकर वह काफी परेशान रहते हैं। करण जौहर ने बताया कि वह जब छोटे थे तब से लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें लगता था कि वह दूसरे लड़कों जैसा क्यों नहीं है। यहाँ तक कि वह जब भी किसी के साथ इंटीमेट होते हैं तब वो लाइट बुझा देते हैं ताकि उनका शरीर ना दिखे। करण जौहर ने हाल ही में फेड डिसूजा से बातचीत में बताया था कि उन्हें बॉडी डिसफॉर्मिया है, वह अपनी बॉडी को ही पसंद नहीं करते। उन्होंने बोला, मुझे बॉडी डिसफॉर्मिया है, मैं पूल में जाने से बहुत अजीब फील करता हूँ, मैंने इससे बाहर आने की काफ़ी कोशिश की लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने कितनी सफलता पा लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं खुद को क्या समझूँ, मैं हमेशा ओवरसाइज्ड कपड़ों में रहता हूँ, मैं कितना भी वजन कम कर लूँ, बहुत कोशिश कर लूँ, मुझे हमेशा लगता रहता है कि मैं मोटा हूँ, मैं नहीं चाहता कि सामने वाला मेरा शरीर का कोई भी हिस्सा देखे। करण ने बताया कि जब वह पूल में अपने करीबी दोस्तों के साथ भी होते हैं तो आखिरी समय तक बाथरोब पहने रहते हैं। उन्होंने बोला, जब मैं 8 साल का था तब से कुछ भी नहीं बदला, मैं हर वक्त अपनी ही बॉडी शेमिंग करता रहता हूँ, यहाँ तक कि जब वे किसी के साथ क्लोज भी होते हैं तब भी वे लाइट बंद कर देते हैं। उन्होंने बोला, मैं इसके लिए थेरेपी ले चुका हूँ, इन सारी वजहों से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, पैनिक अटैक होने के बाद मैं दवाएं भी ले चुका हूँ। करण ने बताया कि जब वह छोटे थे तो एक बार टैलेंट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, वहां उन्होंने डांस किया तो लोग हंसने लगे, तब घर लौटे खुद को देखा और रोने लगे, उन्हें लगा कि वह दूसरे लड़कों जैसे क्यों नहीं है। करण जौहर को हमेशा से ऐसा लगता था कि उन्होंने अपने माँ बाप को निराश किया है। अगर आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड कल्ट को सब्सक्राइब करें।